हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मोडेक्स टेक में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल रीजंस के बारे में कि क्यों आपको RTX 40 सीरीज के साथ में यहां पर जाना चाहिए एंड क्या क्या एक्चुअल में आपको बेनिफिट्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। और कभी भी मैंने इसके बारे में जो है डिटेल में यहां पर बात नहीं करी है, तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि NVIDIA की लेटेस्ट RTX 40 सीरीज के साथ में आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, तो सब चीज के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखते रहना। अब गाइस, मैंने खुद भी यहां पर इन सभी फीचर्स को पर्सनली टेस्ट करा एंड इसके लिए मेरे को जो है कलरफुल ने अपना भेजा था RTX 4070 Ti सुपर ग्राफिक्स कार्ड, जो कि यार काफी ज्यादा यार अमेजिंग लगता है यहां पर देखने में। फुली व्हाइट कलर के डिजाइन में आता है, काफी ज्यादा जबरदस्त भी लगता है यहां पर देखने में। तो डेफिनेटली आप जो है इनके कलरफुल के ग्राफिक्स कार्ड्स को चेकआउट कर सकते हो एंड इनकी जो अल्ट्रा वाइट OC वाली जो एडिशन पूरी जो सीरीज रहती है यार, वो तो स्पेशली काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। तो इसी को यूज करके मैंने जो अपनी सारी यहां पर टेस्टिंग करी एंड अब बात करते हैं यहां पर फीचर्स के बारे में कि क्या क्या हमें यहां पर लेटेस्ट 40 सीरीज के साथ में देखने को मिलती है। डजंट मैटर कि आप RTX में 40 सीरीज में 4060 ले रहे हैं या फिर 4090 मिल रहे हैं, आपको ये सभी फीचर्स सभी ग्राफिक्स कार्ड्स के साथ में यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो इनकी आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, जो कि इनका एडा लवलेस आर्किटेक्चर जो कि काफी ज्यादा सीमलेस आपको परफॉर्मेंस यहां पर प्रोवाइड करता है। बी इट आप चाहे यहां पर गेमिंग करना चाहते हैं या फिर आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं या फिर आपका AI से रिलेटेड यहां पर कुछ वर्क रहता है, इन तीनों ही सेगमेंट्स में आपको परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलती है। फोर्थ जेन टेंसर कोर्स मिलते हैं, थर्ड जेन RT कोर्स मिलते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट SER टेक्नोलॉजी के साथ में ये प्रॉपर कंप्लीट यहां पर पैकेज बन जाता है। अब जो लेटेस्ट एडा लवलेस आर्किटेक्चर है ये गाइस बेस्ट है फॉर रे ट्रेसिंग। आपको जो ये थर्ड जेन RT कोर्स देखने को मिलते हैं ये एनेबल करते हैं हमको रे ट्रेसिंग करने के लिए। जब आप गेम्स यहां पर खेलते हैं तो आपको साफ साफ यहां पर यार डिफरेंस देखने को मिलेगा साइड बाय साइड कंपैरिजन, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी यहां पर देख पा रहे हैं। चाहे आपके टेक्सचर्स होते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शंस होते हैं, आपके जितने भी यहां पर ग्राफिकल क्वालिटी रहती है वो यार काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। एंड रे ट्रेसिंग में बेसिकली क्या है कि जो आपकी लाइट्स होती है ना वो बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह यहां पर रिफ्लेक्ट करती है, तो आपको काफी ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हुए आपको रियल वर्ल्ड वाली यहां पर फील आती है जब आप गेमिंग करते हैं। अब इसके साथ में जो फोर्थ जेन टेंसर कोर्स देखने को मिलते हैं यही तो हमको एनेबल करते हैं फॉर AI एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस, जो हमें काफी ज्यादा बढ़िया मिलती है, इसी से ही तो मिलती है। और आपने सुना ही तो होगा यार DLSS के बारे में। अब जो DLSS 3 है ये हमको प्रोवाइड करता है मैक्सिमम FPS विद मैक्सिमम क्वालिटी, ताकि आपको परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिले एंड आपको क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज यहां पर करना ना पड़े। अब गाइस, यहां पर जो भी एक्स्ट्रा ये फ्रेम जनरेशन हो रही है ये टोटली यहां पर जो है AI की हेल्प से यहां पर हो रही है, तो ये चीज यार काफी कमाल की है। अब आपके सामने मैंने यहां पर जो है DLSS ऑन वर्सेस ऑफ का कंपैरिजन आपको यहां पर दिखाया, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो एक्चुअल में डिफरेंस यार वो काफी ज्यादा है, परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा बूस्ट आपको यहां पर DLSS से देखने को मिलता है। अब काफी सारे लोगों को यार NVIDIA रिफ्लेक्स के बारे में तो ऑलरेडी पता ही होगा एंड जो NVIDIA रिफ्लेक्स है कंबाइंड विद RTX 40 सीरीज आपको मिलती है बेस्ट ऑफ दी बेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस, मिनिमल आपको लेटेंसी यहां पर देखने को मिलती है एंड बेस्ट एम प्रिसिशन आपको देखने को मिलता है गेमिंग के टाइम में। बेसिकली हल्का से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको वहां पर मिलता है जब आप गेमिंग करते हैं। नेक्स्ट इज गाइज NVIDIA एनकोडर्स। आई डोंट थिंक सो कि मुझे यार बताने की जरूरत है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनकोडर्स आपको NVIDIA की तरफ से यहां पर देखने को मिलते हैं। चाहे आप यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, आप प्रोफेशनल वर्क के अंदर हैं, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आपका कुछ भी इस तरह का काम है, तो यहां पर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफिशिएंसी इन्हीं के एनकोडर्स के साथ में देखने को मिलती है। 8th जेन आपको NVENC एनकोडर्स जो यहां पर देखने को मिलते हैं कंबाइंड विद RTX 40 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड्स आपको मिलता है एकदम हाई क्वालिटी। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग, आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफिशिएंसी आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब जितने लोग भी एडिटर्स हैं, प्रोफेशनल वर्क के अंदर है, तो उनको यार AV1 एनकोडिंग के बारे में पता ही होगा कि ये कितना ज्यादा यहां पर एफिशिएंट है देन H.264, तो इसका जो सपोर्ट है वो आपको RTX 40 सीरीज के साथ में यहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज NVIDIA ब्रॉडकास्ट ऐप। आई डोंट थिंक सो यार, ये भी यार बहुत सारे लोगों को पता होगा, शायद एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है मुझे, और मैं खुद एक क्रिएटर हूं तो मुझे पता है कि यार क्रिएटर्स के लिए ये जो एप्लीकेशन है कितनी ज्यादा यार बढ़िया है। इतने कमाल के फीचर्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर ना आप बेसिकली क्या है कि अपने वेबकैम को एक वर्चुअल स्टूडियो के मतलब उसमें कन्वर्ट कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ AI। बैकग्राउंड रिमूव करना हो गया, चेंज करके कुछ और लगाना हो गया, प्लस नॉइस सप्रेशन आप इसमें कर सकते हो कि मतलब जो आपकी बैकग्राउंड नॉइज है वो सारी वहां पर ये रिमूव कर देता है। आप और भी ज्यादा ऑडियो इफेक्ट्स यहां पर लगा सकते हैं, काफी सारी चीजें यहां पर कर सकते हैं। तो यार NVIDIA ब्रॉडकास्ट ऐप उस चीज में यार काफी बढ़िया लगती है, मतलब क्रिएटर्स के लिए तो काफी बढ़िया है। और RTX वीडियो सुपर रेजोल्यूशन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ब्राउजर में आप जो भी वीडियोज यहां पर प्ले करते हो तो उसकी क्लैरिटी को यहां पर एनहांस करता है, ताकि आपको जो है और ज्यादा बेहतर क्वालिटी में वीडियोज आपको यहां पर देखने को मिले। प्लस ये 4K रेजोल्यूशन तक यहां पर सपोर्ट
करता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। अब बात करते हैं NVIDIA स्टूडियो के बारे में। ये कंबाइंड विद द RTX 40 सीरीज आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस। मतलब प्रोफेशनल वर्क में अगर आप हैं तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। चाहे आप 3D मॉडलिंग करते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिलती है। NVIDIA स्टूडियो ड्राइवर्स आपको प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी कंबाइंड विद RTX फॉर AI पावर्ड क्रिएटिव वर्कलोड्स। तो आपको स्टेबिलिटी काफी बढ़िया यहाँ पर मिलती है। मतलब कि यार, आप में से काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि दो तरह के ड्राइवर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो है गेम रेडी ड्राइवर, दूसरे स्टूडियो ड्राइवर्स। तो अगर आप जो है गेमिंग आपका मेन यहाँ पर प्रायोरिटी है, तो आप गेम रेडी ड्राइवर्स को यहाँ पर इंस्टॉल करें। इसके अलावा अगर आपका जो मेन प्रायोरिटी, जो वर्कलोड आपका यहाँ पर रहता है, वो प्रोफेशनल वर्क रहता है, आप एडिटिंग वगैरह जैसा कुछ काम करते हैं, तो वहां पर आपको स्टूडियो ड्राइवर्स के साथ में जाना होता है, ताकि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, जो कंटेंट क्रिएशन हो, वो बेस्ट तरीके से हो, और जो गेमर्स हैं उनके लिए गेमिंग भी एकदम बढ़िया तरीके से हो। बस तो गाइस, यही थे सभी फीचर्स जो कि हमको लेटेस्ट RTX 40 सीरीज के साथ में देखने को मिलते हैं। एंड क्यों आप अगर कोई ओल्डर जनरेशन का देख रहे हो, तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो यहाँ पर जो अपग्रेड करने के बारे में। आपको काफी सारे जो है न्यू फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड अगर मेरे हिसाब से जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं यार, उनके लिए तो एक काफी बढ़िया एज यहाँ पर उनको मिलती है प्रोफेशनल वर्कलोड के अंदर स्पेशली। और इसके अलावा अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पर भी यार आपको काफी ज्यादा बढ़िया जो है काफी सारे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि DLSS हो गया आपका, रे ट्रेसिंग वगैरह, ये सब जो है फीचर्स आपके हैं काफी ज्यादा बढ़िया है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जो चेकआउट कर सकते हो। और बाकी NVIDIA की लेटेस्ट RTX 40 सीरीज की वेबसाइट का जो लिंक है, वो मैं आपको नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो बेसिकली क्या, आप वहां पर जाकर के जो है और ज्यादा फर्दर डिटेल में जो है इनको एक्सपीरियंस कर सकते हो, और ज्यादा चीजों को चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक मैं आपको नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बस तो गाइस, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो आई होप कि आपको पसंद आएगी। वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, एंड मिलेंगे ऐसे और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।